चोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। भाई साहब ये दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान वाले इंडिया का नाम ना ले ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी दुनिया इंडिया से शुरू होती है और इंडिया पे खत्म। पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने बोला है कि हम पीसीएल में इतने पैसे लाएंगे किसी ने सोची नहीं होगी, फिर कोई भी प्लेयर पीएसएल छोड़कर आईपीएल खेलने नहीं जाएगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। लेकिन रमेश भैया मुझे ये सब क्या दिख रहा है? अच्छा रमेश भैया, पैसों के लिए तो इंसान को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया वाले जन्मों बाद पाकिस्तान में खेलने आए हैं, पहले उनको ढंग का खाना ही खिला दो। बेचारे लबुशन की हालत देख रहे हो, ऐसे लग रहा है सदमे में ही चला गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। अरे भाई साहब क्या बात है, रोहित पाजी के कैप्टन बनते ही सिर्फ सीरीज नहीं जीत रहे, सीधा क्लीन स्वीप कर रहे हैं। लगता है रोहित पाजी ने ठान लिया है अब हारेंगे तो सीधा वर्ल्ड कप नॉकआउट में। भाई वैसे तो पूरी दुनिया में 5 दिन का एक टेस्ट मैच होता है, लेकिन इंडिया इकलौती ऐसी जगह जहां पर 5 दिन में पूरी सीरीज हो जाती है। और ये मैच तो इंडिया ने श्रीलंका को कंफ्यूज करके ही हरा दिया। बैटिंग करते टाइम ऐसे दिखा रहे थे, ओ भाई साहब इतनी बोल्ड रन हो रही है, यहां तो बैट ही नहीं पकड़ सकते, अब तो भगवान ही मालिक है। लेकिन बॉलिंग करते टाइम बुमराह भाई को आगे कर दिया, और बुमराह भाई ने जो भगा के यॉर्कर बाउंसर डाल के आउट करा है ना, मजा आया। एक तो भाई श्रीलंका के प्लेयर्स के नाम इतने अजीबोगरीब होते हैं ना, सीरीज खत्म हो गई लेकिन अभी तक याद ही नहीं हुए। अब इनको क्या पढ़ेंगे आप खुद ही देख लो। शुक्र है ऐसे नाम इंडिया में नहीं होते, वरना जितने हरामी दोस्त हमारे हैं अच्छे खासे नाम की धज्जे उड़ा देते हैं, इनका तो पता नहीं क्या ही करते। श्रेयस भाई ने जिस कंसिस्टेंसी से बैटिंग करी है, चाहे T20 हो या फिर टेस्ट मैच, मजा आ गया। पर कभी कभी तो भाई ऐसा लग रहा है विराट भाई की 71 सेंचुरी से पहले श्रेयस भाई 71 सेंचुरी पे ना पहुंच जाए। कुछ भी बोलो भाई, विराट भाई के फैंस तो उनसे ज्यादा स्वैग में रहते हैं। अब ये फोटो ही देख लो, समझ ही नहीं आ रहा ये विराट भाई के फैन है या फिर विराट भाई इनके। पर किसी ने बिल्कुल सही कहा है, 3 दोस्तों के बीच में ना एक दोस्त हमेशा ऐसा होता है जो हर बार फंसता है। इनका एक और साथी था जो थोड़ा पीछे रह गया था, अब ना तो उसे विराट भाई के साथ सेल्फी मिली, और पुलिस वाले के डंडे पड़ेंगे वो अलग। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। मेरे दिल नाले लारे नी तू लाउन वाली है, दिल तेरा जदों टुटूगा ता पता लगूगा।